हम लोग पढ़ रहे हैं आज। मैंने पिछले क्लास में फीस पढ़ाया था तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन मैं नोट्स में डाल रखा हूँ ना उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया गया है AI-AAA एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ध्यान याद हो तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने S=UT+ ½ AT² फिर V=U+ka T, मतलब हमने बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनके इक्वेशन मैंने लिखा था। ये पहला इक्वेशन, दूसरा तीसरा था V²=UV²+2AS, तीसरा इक्वेशन, चौथा था मेरा SI डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पर, तो वैल्यू था 2U, एक सेकेंड, कितना है, U+ का A/2 (2N-1)। यहाँ n क्या है, nth सेकेंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहाँ टाइम क्या है, सेकेंड को इंडिकेट करता है, टाइम टाइम को इंडिकेट करता है, v वेलोसिटी को, सर u फाइनल वेलोसिटी। हाँ बोलिए। आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं ना अभी? ये चैप्टर 3 चल रहा है। हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। उन्हीं के एक क्वेश्चन सबके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ, और फिजिक्स में बेसिकली न्यूमेरिकल ही आते हैं ना एग्जाम में, तो इसलिए न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैथमेटिक्स हमें स्ट्रांग होना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी चैप्टर नंबर 3, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, AI-AAA में 2 बार आया है ये क्वेश्चन। कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग मूविंग विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट। फिर कहता है आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर डिस्टेंस। फिर कहता है इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल वुड बी, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वुड बी डबल, कोशिश करना क्वेश्चन को साथ साथ लिखते रहना कॉपी पे, एंड सेम रिटार्डेशन इज अप्लाइड, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से, क्वेश्चन पढ़ के कोशिश कीजिए स्केच ड्रॉ करें क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है। कहता है पार्टिकल ऑफ ए मूविंग विथ अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है इतनी स्टार्ट होता है, एंड कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब आगे जाके रुक जाता है, कितने टाइम के बाद, कुछ ट्रैवलिंग करने के बाद। कितना ट्रैवलिंग किया उसने, 8 मीटर, तो मतलब वो रुकने का रीजन क्या है, उस पर ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक से क्या होगा, रिटार्डेशन जनरेट होगा। तो बोलेंगे पार्टिकल ये था, मान लो कोई कार है जो मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और बोलता है आगे चल के यहाँ रुक जाता है इस पॉइंट पे आके, ठीक है। तो बोलता है शुरू किया था 30 मीटर पर सेकेंड पे, आके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, यानी यहाँ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से ये वैल्यू रुक गई है। तो बोलेंगे ये डिस्टेंस कितना चला इसने यहाँ से यहाँ तक, तो 8 मीटर है।
हमसे पूछा है इसमें रिटार्डेशन की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमें यू दे रखा है, तो क्या फॉर्म लगाएंगे बोलिए। यू दे रखा है, वी पता है, ए पूछा है, एस पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे हम लोग, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब वी और यू पता हो और हमें ए पूछ रहा हो तो यही लगाते हैं। अब यहाँ पे वी कितना दे रखा है, जीरो स्क्वायर, यू कितना दे रखा है, 30 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए, ए हमें नहीं पता, ए एक्सलेशन है, एस डिस्टेंस दे रखा है 8, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, ए इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाई 16, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आए बात समझ में, नहीं समझ में आया, देख लीजिए ये क्या था, जीरो इक्वल्स टू 900 आएगा प्लस का 16 ए आएगा, तो यहाँ से वैल्यू ये 900 को उधर भेज दिए, तो आंसर आ गया माइनस का 900 इक्वल्स टू 16 ए, तो ए क्या आ गया बोलेंगे माइनस का 900 डिवाइड बाई 16, तो वैल्यू काटो इसको, 4 बन जाए 4, 4 देख दूनी 8, 4 दूनी 8 से बचे 20, अब कटेगा क्या, नहीं करेगा, तो माइनस 225 अपॉन का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि ये वैल्यू रिटार्डेशन में हो रही है। अब कहता है इफ, फुल स्टॉप है, फिर कहता है इफ द पार्टिकल, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज टू बी डबल, अब मैं स्पीड को दुगुना कर रहा हूँ, जो पहले 30 था उसको मैं 60 बना दिया, एंड द सेम रिटार्डेशन, ए की वैल्यू सेम है, तो अप्लाई देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बोलता है रुकने से पहले उसने कितना दूरी तय किया होगा, मतलब कहानी जो है अब इसके बाद फिर से शुरू होती है कुछ इस तरीके से। अब मैंने स्पीड को क्या कर रहा हूँ, वी को, यू को 60 बना दिया, अब बोल रहा है एक्सलेशन सेम लग रहा है, ए सेम है, और ये पार्टिकल फिर आगे जाके रुकना है, इसको तय है, तो बोल रहा है कितना एस ट्रेवल किया होगा, क्या करेंगे फिर बोलो पुष्पेंद्र, क्या करेंगे आप फिर, ये मैंने लिखा है फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है जीरो कुछ टाइम के बाद, तो हमें पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या अप्लाई करना है हमें इक्वेशन को, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, अब हमें पूछा गया है s की वैल्यू बतानी है, तो बाकी सब वैल्यू पता है पुट कर देंगे, तो v कितना है, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दे रखा है, माइनस का 225 अपॉन का 4 इंटू का s, यहां से s निकालेंगे तो s की वैल्यू आती है 32 मीटर, कितनी आती है 32 मीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ट्रिपल ई में दो बार पूछा गया ही क्वेश्चन, आई बात समझ में सर, दूसरी बार सेम फॉर्मूला क्यों लगाया आपने, क्योंकि यहाँ फिर से वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल, बोल रहा है बस वेलोसिटी को दुगुना कर दिया है स्पीड में, तो उसको मैंने लिया 60, फिर कहता है कि अगर वो रुकना चाहता है बाद में फाइनली जीरो हो रहा है कमिंग टू रेस्ट, जब भी बोले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, कमिंग टू रेस्ट का मतलब आगे चल के वो रुकने वाला है, उसको बोलते हैं कमिंग टू रेस्ट, तो उसको मैंने कहा है 0 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि हाँ बोलो ना सर, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कौन से वाले कंडीशन में, जब वेलोसिटी दे रखा हो, मतलब सॉरी हाँ, जब वी गिवन हो, यू गिवन हो और ए गिवन हो तब लग सकता है, या ए ना गिवन होकर के क्या दे रखा हो, एस गिवन हो तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है, जब यू वी ए पता हो तब ये क्वेश्चन लगता है हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगेगा, आई बात समझ में, तुम ही देखो ना यहाँ पे v u पता था, a पता था तो s निकाला था, अब बोल रहा है कि a दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा, तो s निकालिए, तो जो भी दे रखा है इसमें सारा चार पैरामीटर दे रखा होगा, एक चीज पूछेगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन चारों याद होनी चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन कहाँ पे लगाना है, फोटो खींच लीजिए, इसके आगे का जो स्टेप में आंसर आया है वो है 32 मीटर, इसके आगे कैसे लिख दूँ, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एस इक्वल्स टू 32 मीटर आता है, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके बढ़ू आगे, हाँ लिखिए,
सर इस बार आपने एस को ऐसे ही रखा है। चलो आगे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, वो भी सुन लो। सेकंड मेथड कहता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या पार्टिकल शुरू कर सकता है, पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट यू से, और कहता है फाइनली उसको दोनों कास्ट केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 0 हो जा रही है। मतलब कि पहले केस, इसमें दो केस में मैंने सॉल्व किया था, क्या किया था, पहले शुरू किया यू से, कुछ टाइम चला, एक्सीलरेशन निकाला और फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा हमसे। तो हम इसमें पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये पार्टिकल शुरू हुआ वेलोसिटी में दे रखा है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड से, रुक जाता है फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड पर। अब पूछता है डिस्प्लेसमेंट हमें कितना होगा, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट दे रखा था हमें यहाँ से यहाँ तक का 8 मीटर, और फिर कह रहा है फिर पार्टिकल शुरू होता है डबल वेलोसिटी से और फिर रुक जाता है फाइनली। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं आप, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके जगह पे आप एस इक्वल टू निकाल सकते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली, यू वी स्क्वायर, और यहाँ पे ए कैसा है, रिटार्डेशन है क्योंकि रुक रहा है 0 फाइनली, तो लिखेंगे ए के जगह पे -A। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2 AS, तो वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर, इसको उधर ले आओ उसको उधर भेज दो। कैसे आएगी डिवाइड में, अच्छा ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी वी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। मतलब क्या हो रहा है कि इसी इक्वेशन को आप एक ही बार अप्लाई कीजिए, बस ध्यान ये रखिए कि वेलोसिटी फाइनली हो जाना है 0, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यू स्क्वायर -2 AS इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 AS के इक्वल आ गया, तो एस क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2A आ गया। अब कहता है कि एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, एस क्या है, यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ए है वो दे रखा है कांस्टेंट, मतलब शुरुआत में एक्सेलरेशन जितना था बाद में भी केस में एक्सेलरेशन बोलो उसने बोला है क्वेश्चन में कि सेम ही है। तो बेसिकली एस जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे, यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो रही है, तो बस कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यू स्क्वायर बचा। और उसने कहा है कि वेलोसिटी जो है यू डबल कर देते हैं हम लोग, 2u कर दिया मैंने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एस डैश इक्वल टू बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ यू आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ यू, ये लिखा है मैंने 4, क्यों 4u, क्योंकि यू स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये 4u आएगा, और यू उसने दे रखा था पहले से, तो एस डैश क्या आ जाएगा मेरा, 4 टाइम्स ऑफ यू, यू कितना है 30, 4 चौका 12, तो हमें डिस्टेंस चाहिए था ना, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम बोलेंगे जो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट था वो आपके डिस्प्लेसमेंट का 4 गुना हो जाएगा, तो हम वैल्यू बोलेंगे यहाँ पे 4s आ गया, s डैश इक्वल टू आ गया 4s के इक्वल, तो 4 × 8 आ गया 32 मीटर। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बन गया कि जब जब आपका कोई एक्सप्रेशन s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर के होगा, और u बोलता है आपका अगर डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ u हो जा रही है। तो अगर मैं इसको पिछले इक्वेशन से कंपेयर करूँ, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट s था तो वेलोसिटी u थी, अब मैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, s डैश है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, 2u हो रही है। तो एक्सप्रेशन में देखूंगा मैं यू और एस में क्या रिलेशन है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो एस है वो प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, तो जो एस डैश होगा क्या हो जाएगा, 4u का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2u है, तो 2u का स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा 2u का स्क्वायर बनेगा 4u के स्क्वायर के इक्वल,
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही रहा। तो हम देख रहे हैं जो पहला वाला एस था उसमें यू स्क्वायर आ रहा था, जो बाद में मैं एस डैश लिख रहा हूँ वहां भी यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब एस डैश जो हो गया वो 4 टाइम्स ऑफ एस के इक्वल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पहले डिस्प्लेमेंट मुझे पता है 8 मीटर चलता है वो पार्टिकल, तो क्या पुट कर सकते हैं कि एस डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 8 मीटर, वैल्यू आ गई 32 मीटर। आई बात समझ में? सर यूज कर मतलब वो 60 स्क्वायर होगा ना। 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, वेलोसिटी दुगुनी कर रहा हूँ, 4 गुनी नहीं कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी को मैं दुगुना कर दिया, इसलिए मैं 2u को लिख रहा हूँ वहां पे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 नहीं होता। 4 का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2u का स्क्वायर कर रहा हूँ। ये जो लिखा है मैंने, मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा है, इसकी वैल्यू मैंने लिखा है नीचे में 4u स्क्वायर। अच्छा सर, क्वेश्चन में जितना बताएगा कि हमने उसको डबल किया ट्रिपल किया, तो वो लिखना है इधर। एग्जैक्टली हाँ, तो यहाँ पे डबल जो किया इसलिए मैं 2u लिख रहा हूँ। स्क्वायर तो फॉर्मूला में आ रहा है मेरा, ये जो यू स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर तो फॉर्मूले की वजह से आ रही है। यहाँ देखो ना, फॉर्मूला में लिखा है, डिराइव किया है, और जब वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे 3u लिखना पड़ेगा। अगर बोलेगा वेलोसिटी को 4 गुना कर दिया तो बोलूंगा 4u का स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ अच्छा, में? टू ए का, टू ए कहाँ लिखा आपने? तो 2a कांस्टेंट था, इसको मैंने कांस्टेंट नाम दिया है, तो इस पे बदल कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। शुरुआत में जो था और बाद में जो एक्सप्रेशन था वो दोनों तरफ में केस कांस्टेंट कहा है क्वेश्चन में, है ना? हाँ करो सर, क्वेश्चन सेम वापस जाकर रिटार्डेशन के। था। हाँ हाँ लिखा है ना, इसका मतलब 2a को वो चेंज ही नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है एस यू के ऊपर में। सर, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आना ही है। आंसर आना ही है, देखो आ तो रहा है 32 मीटर, और जो मैंने पहले सॉल्व किया था इसे पहले, तो वो पूरा एक्चुअल प्रोसेस था। तो बोर्ड स्टाइल में वैसे कर दिया, अगर टाइम आपको सिर्फ आंसर निकालना हो तो शॉर्टकट में आप ऐसे निकाल सकते हैं 32 मीटर, इतना आसान होता है। आई बात समझ में? हाँ सर, चले आगे, फोटो खींचना है खींच लो, लिखना है लिख लो। मिटा रहा हूं। हो गए सर। ठीक है, अगला चीज क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी वर्मा में भी आया है और ये क्वेश्चन ए एच ट्रिपल में भी पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने तो इस क्वेश्चन को एस सी वर्मा में बनाया था, लेकिन ये सर क्वेश्चन ए लास्ट एच ट्रिपल में भी। क्वेश्चन हाँ में एक्सेलरेशन अगर उसका सेम नहीं रहता तो हम लोग को वैल्यू डालना पड़ता था ना, जो दिया रहता। तो हाँ तब ये एक्सप्रेशन इतना बेनिफिट नहीं रहता, तब हमें वो एक्चुअल प्रोसेस ज्यादा आसान रहता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम होने की वजह से ये एक्सप्रेशन मेरा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लगा लग गया, और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दिया। अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता है, मतलब एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन अगर सेम नहीं होता तो हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाते। आई है सर। क्वेश्चन नंबर 2, AI EEE कहता है अ बुलेट, बुलेट मतलब गोली की बात हो रही है, अ बुलेट इज फायर, बुलेट मतलब गाड़ी, गाड़ी वाला बुलेट नहीं, अ बुलेट इज ए फायर फायर टुवार्ड्स द बुलेट इज फायर टुवार्ड्स अ टुवार्ड्स अ प्लैंक, प्लैंक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, वेलोसिटी बिकम्स हाफ आफ्टर ट्रेवलिंग 3 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 सेंटीमीटर इनटू इट। फिर कहता है इफ रिटार्डेशन ऑन द बुलेट, इफ रिटार्डेशन
रिटार्डेशन ऑन द बुलेट, ऑन द बुलेट रिटार्डेशन ऑन द बुलेट इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट. देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल, फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल, फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट. स्केच है, ये बुलेट है जो हिट कर रहा है इस प्लैंक पर, ट्रैवल करता है इसके अंदर. वेलोसिटी आधी हो गई, फिर पहुंचा यहाँ पर. जब वो दोबारा से प्लैंक से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है. अब बोलता है जब वो प्लैंक अंदर किया, इंसर्ट किया, तो उसमें एक्सेलरेशन ए था. वेलोसिटी क्या हो गई? आधी हो गई जब वो मिड में पहुंचा. कितना डिस्टेंस चलने पर? एस इक्वल टू दे रखा है 35 मीटर. 35 कहाँ गया? सॉरी, 3 सेंटीमीटर है ना. हाँ, 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, इतना चलने पर उसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है वो यहाँ भी रहेगा. तो बताना है आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस बतानी है हमें. आई बात समझे फिगर? अब 2 मिनट लीजिए, ट्राई कीजिए. क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा है. ठीक है, सही है. अब कहता है इसमें पहला पार्ट क्या है? इसमें पहला पार्ट इसको बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट इसको बोल रहे हैं. पहला पार्ट में क्या है? तो लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट कहता है द वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस अप्लाई किए. तो बोलता है इसमें फर्स्ट पार्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी यू थी जब उसने उस बुलेट ब्लॉक से टकराया है, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट गई है. कितनी? आधी घट गई. तो बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी हो गई यू अपॉन टू. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू स्क्वायर थी. और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 सेंटीमीटर. पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू पुट करूंगा 2a इंटू का 3 सेंटीमीटर. तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? यू स्क्वायर अपॉन का 4 माइनस का यू स्क्वायर, वैल्यू आ गई 6a. तो ये सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस की, कितना आएगा? माइनस का 3 यू स्क्वायर अपॉन का 4 अपॉन का 6a. ठीक है, अब ये कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपका ये सेटअप बन गया है तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 3 2 जा 6. तो यहाँ से a आ गया आपका यू स्क्वायर अपॉन का 8. क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन का 8 आ गया माइनस साइन के साथ. आई बात समझ में? अब बोल रहा है यही एक्सप्रेशन जो क्या है यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है. कितनी आई एक्सप्रेशन? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8. अब इससे यहाँ से यहाँ तक में भी सेम आ रही है, तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा हमको इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये है, और सेकेंड पार्ट ये है. एक बार फोटो खींच लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं. मैं लिख लो सॉल्यूशन को यहाँ तक, क्योंकि मैं यही मिटाऊंगा, वापस से सॉल्व करूंगा सेकंड पार्ट को. हो गया सर. नेक्स्ट पार्ट कहता है इसमें सेकंड पार्ट में, अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू बाई टू, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस लगाना है. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? यू अपॉन टू है, तो वो पुट करूंगा मैं. तो ये है इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टू.
और बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, कमिंग टू रेस्ट, मतलब रुक जाता है फाइनली, इसको ट्राई करके बाहर नहीं निकल पा रहा है वो, तो बोलेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए, ए कितना निकाला है मैंने, यू स्क्वायर अपॉन एट, वही पुट करूंगा, यू स्क्वायर अपॉन का एट इंटू एस, कितना ट्रेवल किया उसने, उसको नाम दिया मैंने एस डैश, हमसे यही पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का यू स्क्वायर अपॉन का फोर, इसको मैंने इस तरह भेज दिया और ये आ गया टू इंटू एट काटेगा, तो आ गया माइनस का यू स्क्वायर अपॉन का फोर इंटू एस डैश, यानी कि इसको मैंने इधर भेजा तो जीरो पहले से था, तो जीरो माइनस का आ गया यू स्क्वायर अपॉन एट, तो जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, फिर टू से एट को काट दिया तो बन गया यहाँ पे फोर, यू स्क्वायर अपॉन का फोर बन गया, और ये एस डैश है, हमें निकालना था एस की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस माइनस कट गया, फोर से फोर कट गया, यू स्क्वायर कट गया, तो एस डैश कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा ठीक ही है, तो पिछले क्वेश्चन से बेस्ट थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन था ये, आया समझ में? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस कम कराऊंगा ना तो फिर आगे मजा नहीं आएगा, ऑलरेडी मेरा सामने बैच चल ही रहा है फिजिक्स का, दिन में भी चल रहा है फिजिक्स का बैच, तो इसमें काय में कम करूं, पढ़ो अच्छे से। सर ए मतलब एक्सेलरेशन है ना, हमेशा, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट के तौर पर यूज करते हैं, कभी डिस्टेंस के तौर पर यूज करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फिर कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टू पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टू पॉइंट आर यू एंड वी, इफ इट इज कमिंग टू रेस्ट, इफ इट इज मूविंग, इफ इट इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, देन फाइंड आउट वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, ट्राई कीजिए। कहता है अब पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी एट टू पॉइंट आर यू एंड वी, बोल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी दो पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट पे वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी यू और ये पार्टिकल वेलोसिटी है वी, ध्यान रखना ये यू और वी जो मैं मान रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, तुम यहाँ पढ़ो कहीं और पढ़ो कहीं और टेक्स्ट बुक में पढ़ो, हमेशा यू और वी ही माना जाता है। अब कहता है कि पार्टिकल ऑफ पार्टिकल ऑफ टू पॉइंट वेलोसिटी यू और वी है, फिर कहता है एंड विथ अ मूविंग अ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, बोलता है जब वो मूविंग कर रहा हो तो वहाँ पे एक्सलेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये है एक्सलेशन। अब कहता है फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो हमें बताना है कि इसके मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, सही बात है, तो हम इस पॉइंट को हम दो पार्ट में डिस्प्यूट कर देते हैं, बोलते हैं कि पार्टिकल ने जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा था वेलोसिटी यू थी, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, और ये पॉइंट है जहाँ मिड पॉइंट है, डिस्टेंस कितना होगा ये, तो बोलेंगे s बाई टू होगा, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट s होगा, तो इसको s बाई टू मैंने नाम दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी है यानी v डैश। फिर बोलता है यहाँ से फिर जब यहाँ पार्टिकल चला तो फिर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन और ये पता करना चाहता हूँ कि, बस यही निकालना था, तो ये हो गया फिर से डिस्प्लेसमेंट आधा डिस्प्लेसमेंट पे, एक्सलेशन क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसको नाम दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट इसको बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस अप्लाई करना है, तो v कितना बन रहा है, v डैश का स्क्वायर, u कितना बन रहा है, तो u का स्क्वायर, और a कितना है, a कांस्टेंट है, s कितना है, तो बोलूंगा s बाई टू है, तो क्या आएगा वैल्यू, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यूनिवर्सिटी दे रखा है,
यू स्क्वायर, और आया कितना, टू ए एस आया, सॉरी टू से टू कट जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ ए एस बचेगा। ये हमारी पहली वेलोसिटी आ गई, कहाँ, सही बात तो है। ठीक है ठीक है, अब कहता है सेकेंड पार्ट में आते हैं यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लगाएंगे फिर से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी है वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी डैश का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए एस, तो टू ए कितना है, तो ए ही है, एस कितना है, तो बोलूंगा एस बाई टू है फिर से। तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस का ए इंटू एस। अब यहाँ से भी वी स्क्वायर आ रही है, वी डैश यहाँ भी वी डैश आ रही है, दोनों से वी डैश आ रही है, हमें वी डैश की एक पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो क्या करूंगा, यहाँ पे ए एस का इक्वेशन निकालिए, ये ए एस निकालिए, यहाँ से ए एस निकालिए, यहाँ से ए एस आ जाएगा हमारा, ए एस की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस का वी डैश का स्क्वायर, डिवाइड कुछ भी डिवाइड नहीं। हाँ सही तो है, तो अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे ए एस का, वी डैश इक्वल्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का ए एस कितना है, वी डैश माइनस का वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो वी डैश को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, टू वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई, वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, आंसर। आई बात समझ में, मतलब मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को दो, हाँ बोलो कुछ पूछना चाह रहा है, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ सर मैंने दूसरा सॉल्व किया वाला सेकंड पार्ट को। वापस। दूसरा वाला में ये कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें वापस से हमें इक्वेशन नंबर लगाना है जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है एस बाई टू में, वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है कितना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी डैश, वी डैश हमारा अननोन है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी वी, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन वेलोसिटी में गिवन है, तो वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से शुरू होगी, अब तो यहाँ से फिर यहाँ तक के बीच में कितना ट्रेवल किया, मतलब पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी होगी इनिशियल ये, तो उसको अप्लाई किया मैंने वी डैश का स्क्वायर, ये वी डैश का स्क्वायर है, और टू इंटू ए इंटू एस, एस कितना है, एस बाई टू है, तो टू से टू कट गया, आंसर आया ए एस, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस का वी डैश का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ए एस की वैल्यू यहाँ से निकाला, इस इक्वेशन टू को नाम दिया है, और ये इक्वेशन नंबर वन है, तो हम बोलेंगे इक्वेशन टू की वैल्यू वन में सब्स्टिट्यूट करने पर, इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ए और एस का चर्चा नहीं था, तो उसको हटाने के लिए मैंने वैल्यू यहाँ पे ए एस की वैल्यू पुट की है यहाँ से निकाल करके इस इक्वेशन में, ताकि मेरा ए एस यहाँ से गैप हो जाए, सिर्फ यू और वी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसी के टर्म में आंसर बताना चाहते हैं। तो मेरा वी डैश क्या है, मिड पॉइंट का वेलोसिटी है, तो हमें मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू मैंने इसी क्वेश्चन में पुट कर दी, तो वैल्यू आ गई वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी डैश प्लस टू वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, डिवाइड कर दिए वैल्यू को, तो आ गया कितना, वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, यही रिक्वायर्ड आंसर है। आई बात समझ में, हाँ सर, याद रखना इसको, फॉर्मूला है, मतलब ये कब कब फॉर्मूला बन सकता है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, फाइनल वेलोसिटी वी होगी, तो मिड पॉइंट पे कभी कोई पूछे वेलोसिटी कितनी आएगी, तो आप इसको किसी बच्चे से कंपटीशन कर सकते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम यहाँ पढ़ते हो, तो वेलोसिटी बताओ, अगर पार्टिकल वेलोसिटी यू वी है और फाइनल वेलोसिटी वी है, तो बीच पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोलेंगे वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एज ए फॉर्मूला याद करना है, इसको याद रखना है अपने पास। आई बात समझ में, फोटो खींच लीजिए, कुछ पूछना चाहते तो पूछ लो, और ध्यान रखना मैंने इधर भी स्क्वायर लिखा है, इधर भी स्क्वायर लिखा है, अगर इधर स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर याद रखना, कि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, मिटा रहा हूँ, सर तो रूट मान से नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, हम लिखने से बच रहे थे इसलिए बोल रहा था, लो लिख दिया, सर इधर नहीं, वो आंसर में यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों तो एक ही चीज है ना,
चाहे वहां लिखो या वहां लिखो, एक ही बात है। आगे बढ़ रहा हूं, अगली क्लास कब है स्कूल की? सर अभी 10 बजे, कितना टाइम बचा है अभी मेरे पास? 7 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ। करवाऊं कि छोड़ दूं? 7 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। लिख लेता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ट्राई कर लेना। असाइनमेंट है, और पार्ट क्या? होमवर्क है। तुम होमवर्क अभी कर कहाँ पा रहे हो? सारा होमवर्क तो बचा ही जाता है, स्कूल में इतना परेशान किए हुआ है कि इसलिए सारा क्वेश्चन हम होमवर्क सब क्लास में करवा रहा हूँ। चाहो तो ले लेना होमवर्क, लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन भी, कर लेना इसको होमवर्क में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, साथ साथ लिखते जाओ, मैं पढ़ पढ़ दे रहा हूँ। इट्स वेलोसिटी बिकम्स टू बी आफ्टर एन सेकेंड then find out displacement in last 2 seconds। स्केच दे रखा है इसका, पार्टिकल यहाँ है, ट्रेवल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड, ए दे रखा है एक्सेलरेशन को जो कि क्या है, कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी यहाँ पे हो गई वी है, फिर बोलता है आफ्टर टी सेकेंड के बाद, आफ्टर टी इक्वल टू दे रखा है एन सेकेंड है, और पार्टिकल पहुंच जाती है इस पॉइंट पर। हमसे पूछा गया है बताइए इसके लास्ट 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पार्टिकल ने। सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट कहता है इसमें एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए कितना है, ए एक्सलेशन को है, और टाइम कितना है, तो टाइम टी है, टी स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लिखेंगे हम लोग ए टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2s के इक्वल, ये s इधर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। फिर करता है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, अगर हम s ऑफ ns सेकेंड लगाएं वैल्यू होती है u प्लस का a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस का 1 लगेगा। फिर लिखूंगा मैं s ऑफ ns सेकेंड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारी। अब बोलता है कि s ऑफ n माइनस 2 सेकेंड पे चाहिए, तो ये हो गया एस एन, मतलब ये टोटल टाइम में, ये हो गया एनएस सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है, और ये बोलता है एस टाइम में कितना टाइम ट्रेवल किया वो उतने में, तो इसमें से इसको घटा देना है तो हमें मिलेगा वैल्यू। तो लिखेंगे एस एन माइनस का एस एन माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी यू प्लस का ए अपॉन 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस का 2 इंटू का माइनस 1। मैंने इस फॉर्मूला को लिखा है उसके टर्म में, फिर अप्लाई किया इसमें u प्लस का a अपॉन 2 इंटू का 2n माइनस का 4 माइनस का 1। ओके 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 ओके, सही है सही है सही है। रुक जाना पुष्पेंद्र, रुक जाना, मिस्टेक हो गया थोड़ा। कौन सा पार्ट हो गया बता रहा हूँ, ये पार्ट सही है, इस पार्ट में मिस्टेक हुआ। ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे,
इसमें दिक्कत नहीं है, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस का 2 सेकेंड में। अगर ये हमसे पूछ रहा है तो क्या बोलूंगे, एस टू इक्वल्स टू ए अपॉन 2 इंटू का एन माइनस का 2 का स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ वापस से क्या है एन माइनस का 2 का स्क्वायर। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 है, फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ टी इक्वल टू पुट कर रखा है उसने एन माइनस 2 सेकेंड, मतलब ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने अप्लाई किया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे यू 0 है इसलिए ये पूरा टर्म हो गया 0। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे, ये बड़ा टर्म मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा है सिर्फ ए अपॉन 2, मतलब ये है हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ टी के लिए दे रखी है एन माइनस 2 सेकेंड पे, हमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो वैल्यू लिखा मैंने एस टू इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने माना है इक्वेशन नंबर 1, एक ही बात है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, क्लियर है बात। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, इन लास्ट 2 सेकेंड, तो एस इक्वल टू हो जाएगा एस वन माइनस का एस टू। तो बोलेंगे एस वन माइनस का एस टू, एस वन कितना है, तो लिखेंगे हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, मतलब ये एन 1 सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस का एन माइनस 2 सेकेंड में कितना होगा 1/2 इंटू ए इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ए इंटू एन माइनस का 1। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम जो ए लिख रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू होता है वी अपॉन का एन होता है, कैसे, अगर हम लिखो इसको ए इक्वल टू वी बाई एन, वी माइनस का 0 अपॉन का n, यहाँ टाइम जो है वो n में इंडिकेट कर रहे हैं, तो v माइनस का 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्वेश्चन में, तो बोलेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, a इक्वल्स टू वी अपॉन एन बनेगा, इसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे, तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू वी अपॉन का n इंटू एन माइनस का 1, ये n है ये भी n है, फाइनल आंसर आ गया। अब पर इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कैंसिल नहीं हो सकता है, एन माइनस 1 है वहां पे, नीचे में एन डिवाइड में है, अगर माइनस 1 नहीं होता तो कैंसिल कर सकते थे, ब्रैकेट के अंदर में है ना एन माइनस 1, सर तो ऐसे कर सकते ना उसको वी एन माइनस वी 2 इंटू वी एन माइनस का 1 अपॉन का एन है, अब तुम बोलना चाहते हो वी एन माइनस का वी, यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कॉमन लेके ही लिखें, ठीक है सर, मिटा रहा हूँ एक बार देख लो फिर मिटा देता हूँ, फिर एक और मेथड बताता हूँ इसका, एक और मेथड इसको सॉल्व करने का, हो गया सर, ठीक। अगला मेथड कहता है सेकंड मेथड, थोड़ा शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अब क्या है इसमें शॉर्टकट, आप क्या कीजिए, इस पूरे टाइम को मान लीजिए एनएस सेकंड में, मतलब यहाँ तक जो पार्टिकल पहुंचा है इसको मान लीजिए एनएस सेकंड में पहुंचा है, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस का ए अपॉन 2 इंटू का 2n माइनस का 1, दैट इज फॉर्मूला फॉर एनएस सेकंड, फॉर्मूला फॉर एनएस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ठीक है। अब मैं लगाना चाहता हूँ एस ऑफ एन का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया वैल्यू इतना, तो यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0 है, तो 0 पुट कर दो ए अपॉन का 2 इंटू का 2n माइनस का 1, फिर लगा देंगे एस ऑफ एन माइनस 1 पर, कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 0 प्लस का ए अपॉन 2 इंटू का 2 इंटू का n माइनस का 1, जहाँ n था वहाँ पुट कर दो n माइनस का 1, क्योंकि यहाँ टाइम ले रहा हूँ मैं n माइनस 1 सेकेंड में, तो वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2 इंटू का 2n माइनस का 3, क्लियर है बात। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो sn प्लस sn माइनस का 1, वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस का 1 प्लस का 2n माइनस का 3,
तो वैल्यू आ गई ए अपॉन का टू इंटू का फोर एन माइनस का फोर, सही है? सही है। अब फोर कॉमन ले लो तो वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन का टू इंटू का एन माइनस का वन इंटू का फोर, टू से फोर कट गया टू आया, वैल्यू आ गई टू ए इंटू का एन माइनस का वन, यही आंसर है। तो देखना पिछले केस में जो आंसर मैंने निकाला था वो भी यही आंसर था, फर्क क्या है दोनों में, वहां पे मैंने लिखा था ए को क्या पुट कर दिया आखिरी में, वी अपॉन एन पुट कर दिया था, अगर मैं ए को वी अपॉन एन नहीं पुट करूंगा तो यही आंसर आया था पिछले केस में भी। तो ये ज्यादा आसान तरीका है, बस फर्क क्या है आपको जो आसान लगे आप उसे बना सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि इसने पूछा था हमें ये सॉल्यूशन करने का तरीका ऐसा मेरे दिमाग में कैसे आया, ये कह सकता हूँ कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लगा एन सेकेंड में, हमसे पूछा था एन माइनस टू सेकेंड में, मतलब लास्ट के टू सेकेंड में, लास्ट का टू सेकेंड मतलब लास्ट का आखिरी सेकंड में क्या बोलेंगे एन सेकंड, एन माइनस वन सेकंड को बोलेंगे, लास्ट का आखिरी सेकंड 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 को बोलेंगे। अगर मैं इन दोनों टाइम को निकालू सिर्फ पार्टिकुलरली टी इक्वल्स टू एन सेकंड पे निकालू और टी इक्वल्स टू एन माइनस वन सेकंड पे निकाल दूं, तो ये दोनों सेकंड क्या बतला रहा है कि लास्ट के दो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो एक बार इस पे निकालो डिस्प्लेसमेंट, एक बार इस पे निकाल दिए डिस्प्लेसमेंट, दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब ये वो टाइम हो गया कि लास्ट के दो सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इतनी ट्रेवल रहेगी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट ये दिखलाता है कि उस पार्टिकुलर टाइम में जो कि टाइम था एन सेकंड उसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये, और ये डिस्प्लेसमेंट बतलाता है कि लास्ट के आखिरी एन माइनस वन सेकंड पर, लास्ट के आखिरी टाइम में एन माइनस वन सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसको वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो या तो आप शुरू से लेकर आखिरी से पहुंच सकते हैं, जो मैंने पहला मेथड किया है कि शुरू से लेके गया है वहां तक ट्रेवल किया है और फिर दोनों को घटा दिया है मैंने, यानी एन सेकंड तक गया ट्रेवल। अभी क्या कर रहा हूँ, पार्टिकुलरली एन सेकंड पे निकलवा रहा हूँ, फिर पार्टिकुलरली एन माइनस वन सेकंड पे निकलवा रहा हूँ, फिर दोनों को जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि पूछा है लास्ट के दो सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस। तो दोनों तरीका आसान है, समझ में जो तुमको आसानी से लगे वो ठीक है, क्लियर है बात। तो ये जो इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस का हाफ t स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि पूरे टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट बतलाता है ये हमारा, हमेशा t इक्वल टू का मैं 10 सेकंड कहता हूँ ना, तो बोलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय 10 सेकंड में, उसको बोलते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ s इक्वल टू u प्लस का a अपॉन 2 इंटू 2 एन माइनस 1 और फिर मैं लिख रहा हूँ t इक्वल टू दे रहा हूँ यहाँ पे n इक्वल टू दिख रहा हूँ 10 सेकंड पे, इसका मतलब सिर्फ वो 10 सेकंड पे बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये है टोटल, ये है उस पर्टिकुलर टाइम पर बता रहा है, यही एडवांटेज है इसको जानने का। आई होप आपने तो मैंने बता दिया है, क्वेश्चंस हो गया है, अब बचा हुआ क्वेश्चन हम कल करते हैं, चलेगा एक दिन और क्लास चलेगा इस क्वेश्चंस के ऊपर में, वन मोर क्लास नीडेड, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।